हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वैसे तो आज तक मैंने काफ़ी सारी आपको फुलेरा जोधपुर डबलिंग अपडेट की वीडियोस जो है इस चैनल पे लाके दी है अभी तक। और अभी रिसेंटली जो है मैंने डबलिंग अपडेट के साथ साथ फुलेरा जोधपुर रूट के इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट देना भी चालू कर दिया है। और आगे भी आपको जो है इस पूरे रूट की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट मेरे द्वारा मिलती रहेगी इस चैनल पर टाइम टू टाइम। तो मैं यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे बोलना चाहूँगा कि यदि आप फुलेरा जोधपुर रूट के इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग अपडेट इन फ्यूचर टाइम पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो। और तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है जोधपुर लोनी मारवाड़ रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। और मेन टॉपिक की तरफ चलने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा मैं कि जो जोधपुर लोनी मारवाड़ रूट की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट जो है वो आपको इन फ्यूचर WDP फॉर लवर्स यानी कि RF चिराग शर्मा इनके चैनल पर मिलने वाली है। तो इस वीडियो के एंड होने के बाद जाइए उनके चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए उनके चैनल को और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर जोधपुर लोनी मारवाड़ रूट के इलेक्ट्रिफिकेशन की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और चलिए फिर अभी बात करते हैं डायरेक्ट जोधपुर लोनी मारवाड़ रूट के इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के बारे में। वैसे जोधपुर से लेकर लूनी तक का जो सेक्शन है वो 32 किलोमीटर का सेक्शन है और जोधपुर से लेकर बासनी स्टेशन जो कि 6 किलोमीटर का सेक्शन है वहाँ पे अभी तक जो है कोई भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चालू नहीं हुआ है। और बासनी के बाद लूनी जंक्शन और मारवाड़ जंक्शन तक जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है। वैसे बासनी से लेकर लूनी जंक्शन तक 26 किलोमीटर का एक सेक्शन है, वहाँ पे पोल्स लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। जोधपुर के बासनी से लेकर लूनी जंक्शन के बीच में दो स्टेशन आते हैं जिसमें से एक स्टेशन है सालावास स्टेशन। और ये जो सालावास स्टेशन है इसके प्लेटफॉर्म पे पोल्स लगाने का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप जैसा कि इन पिक्चर्स में देख सकते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे यानी कि दोनों प्लेटफॉर्म पे जो है पोल्स लगा दिए गए हैं अच्छी तरीके से। और सालावास स्टेशन पे ये जो पोल्स लगाने का काम है वो 11 से लेके 19 नवंबर के बीच में ही हुआ है। एंड सालावास के जो दोनों आउटर हैं वहाँ पे अभी तक कोई भी पोल्स वगैरह नहीं लगाए गए हैं, बस वहाँ पे पोल्स के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, चैम्बर बनाए गए हैं और कुछ नहीं हुआ है। एंड आप देख सकते हैं सालावास स्टेशन बड़ा ही एक सुंदर सा कर्व वाला स्टेशन है ये, और यहाँ पे जो है पोल्स लगा दिए गए हैं। बाकी ये तो थी इस वीडियो में सिर्फ सालावास स्टेशन के इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट। और जो जोधपुर लूनी मारवाड़ रूट के इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट है वो आपको मेरे चैनल पे हो सका तो दिसंबर में देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ आपको जल्दी ही WDP फॉर लवर्स के चैनल पर जो है जोधपुर से लेकर लूनी जंक्शन तक की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है। तो जाइए फिर WDP फॉर लवर्स चैनल को विजिट कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो। और मेरी तरफ से इतना ही था आज की इस वीडियो में। हो सका तो आपके लिए जल्दी जोधपुर लूनी सेक्शन की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट मैं आपके लिए डिटेल में लेके आऊँगा दिसंबर के महीने में, और जोधपुर फुलेरा डबलिंग अपडेट भी आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और फिलहाल के लिए इतना ही था मेरी तरफ से आज की इस वीडियो में एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और इसके बाद मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।